हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का डे 8 है। इससे पहले डे 7 तक हम लोग कई सारे रूट वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग रूट वर्ड को जो डिस्कस करेंगे वह है एएम या ईएम, जिसका मतलब लव होता है। चलिए तो इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन देखते हैं और जो वर्ड लिया गया है मनीषा बंसल मैम की बुक से। तो चलिए आज हम लोग जो देखेंगे सिक्स रूट वर्ड एएम या ईएम, जिसका मतलब लव होता है। और इससे पहले हम लोग पांच रूट वर्ड पे लगभग 68 वर्ड्स को डिस्कस कर लिए हैं और आज का 69 रूट वर्ड से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और प्रीवियस जितने सारे वीडियो हैं मैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वर्ड्स को चलिए समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है एमेच्योर। यहाँ पे एम का मतलब लव हो गया। अब लव का पूरा वर्ड किस सेंस में आएगा इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन एनी एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब। वैसा व्यक्ति जो कि किसी भी एक्टिविटी में भाग लेता है केवल एंजॉयमेंट के लिए, वह उसका जॉब नहीं है या उसका प्रोफेशन नहीं है बोलो तो उसे क्या बोलेंगे, एमेच्योर। या आप क्या बोल सकते हैं कि वह स्पेशलिस्ट नहीं है उस फील्ड का। दैट मीन्स बस वह उसको मन लग रहा है, करने में अच्छा लग रहा है, तो वह किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वैसे व्यक्ति को बोलेंगे एमेच्योर। अब इसका हिंदी देख लीजिए, शौकीन व्यक्ति हो गया। और इसका एंटोनिम हो गया प्रोफेशनल और एक्सपर्ट। और प्रोफेशनल एक्सपर्ट कौन होता है, जो किसी एक्टिविटी का स्पेशलिस्ट हो, प्रोफेशनल उसी को तो बोलेंगे और एक्सपर्ट भी। तो इसका साइनोनिम्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर साइनोनिम्स में अगर आपको यहाँ पे कहा जाए तो आप बोल सकते हैं कि नॉट प्रोफेशनल के लिए नॉन प्रोफेशनल, तो ये हो गया इसका सिनोनिम्स में एमेच्योर का। और फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं जैसे इसका सिनोनिम्स में आ गया था स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन स्पेशलिस्ट भी। तो ये हो गया इसका आपको सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं एमेट्री। यहाँ पे भी एम का मतलब लव है, लेकिन इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन देखिए, रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद सेक्सुअल डिजायर और एक्टिविटी, तो हम लोग क्या बोलेंगे एमेट्री। इसका साइनोनिम्स आप कर सकते हैं, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा एमोरस, एमोरस। इसको भी क्या बोलते हैं, ये वर्ड का भी मीनिंग क्या आता है, रिलेटिंग टू सेक्सुअल डिजायर। तो आई होप यहाँ से इस वर्ड को भी आप समझ गए होंगे एमेट्री। चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमीएबल। एमी का मतलब यहाँ पे अगेन फिर लव है। और लास्ट में अक्सर देखेंगे जब एबल लगा रहता है तो वह क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है प्लीजेंट और फ्रेंडली एंड इजी टू लाइक। तो इसका हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं सौम्य या सुशील, मतलब जो सबका प्यारा है उसको क्या बोलेंगे एमिएबल। और इसी को मन भावना भी बोल सकते हैं, तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा एग्रीएबल और लवेबल। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीएबल और हेटफुल। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं एमिकेबल। यहाँ पे भी एमी का मतलब लव है और इसका मतलब होता है ऑब्टेंड इन अ फ्रेंडली वे। और यह स्पेशली जो यूज किया जाता है बिटवीन टू पर्सन। अब इसका मतलब क्या है चलिए इसको समझते हैं। ये दोनों वर्ड आपको लगभग सेम ही लग रहा होगा, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्या था कि जो आप बोल सकते हैं कि लवेबल है, मनभावना है, उसको बोलेंगे एमीएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई चीज़ होगा, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है। तो ये हो गया हिंदी इसका। तो अब यहाँ पे लेकिन जब एमिकेबल को देखेंगे तो मैंने अभी बोला कि यह स्पेशली
बिटवीन टू पर्सन के बीच में यूज होता है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का हो सकता है एमिकेबल रूप से किसी चीज़ का एग्रीमेंट हुआ हो, जैसे बोल सकते हैं एमिकेबल सेटलमेंट, यानी जो सेटलमेंट हुआ दो व्यक्ति के बीच में वह एमिकेबल रूप से हुआ है। तो एमिकेबल मतलब क्या हो जाएगा कि फ्रेंडली वे में हुआ है। तो आई होप अब यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि यह जनरल सेंस में आ जाएगा, लेकिन एमिकेबल का स्पेशली यूज क्या होता है, किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई चीज़ मैत्रीपूर्ण ढंग से प्राप्त हुआ हो तो उसको बोलेंगे एमिकेबल। अब इसका आपको यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा कॉर्डियल और फ्रेंडली, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनफ्रेंडली। वर्ड का एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद एंटोनिम और सिनोनिम्स आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एमआईटी। यहाँ पे भी इसका ओरिजिन जो है रूट एमआईटी का रूट वर्ड एम से है, इसका मीनिंग हो जाएगा एमआईटी का फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप, यानी मित्रता। जब फ्रेंडली और पीसफुल रिलेशनशिप है तो उसको क्या बोलेंगे एमआईटी, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंडशिप, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्कर्ड यानी विवाद। नेक्स्ट वर्ड है एमोरस, और इस वर्ड को अभी हमने सिनोनिम्स में देखा था, किस वर्ड का सिनोनिम्स में एमेट्री, एमेट्री। और इस वर्ड के सिनोनिम्स में हम इसको भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एम मतलब हो गया लव, और इसका एक्सप्लेनेशन हो गया इस वर्ड का शोइंग रोमांटिक लव, तो उसको क्या बोलेंगे एमोरस। नेक्स्ट वर्ड है इनेमर्ड, इन यहाँ पे लव का मीनिंग देगा। तो अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इनेमर्ड का मतलब होता है इन लव विथ समबडी, यानी किसी के लव में होना, तो जिसके लव में होना, किसी के प्यार में होना, तो उसको क्या बोलेंगे इनेमर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पर एमर, यानी पर मतलब होगा यहाँ अदर और एम मतलब हो गया लव, यानी अ पर्सन रोमांटिक रिलेशनशिप टू समबडी, यानी किसी अदर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप होना, उसको क्या बोलेंगे पर एमर। और हम लोग इसी को बोल सकते हैं जो अदर रोमांटिक रिलेशनशिप है, इसके लिए हम लोग स्पेशली जो इलिक पार्टनर होता है और फॉर मैरिड पर्सन, तो उसके लिए भी यूज में आता है पर एमर। तो आई होप इस वर्ड को भी आपने समझ लिया होगा, यानी विशेष रूप से एक विवाहित व्यक्ति का जो अवैध संबंध है तो उसको बोलेंगे पर एमर। तो आज के रूट वर्ड को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो अभी तक हम लोग 76 रूट वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का रूट वर्ड डिस्कस करेंगे, और वह 7th रूट वर्ड पे होगा। और अगर वीडियो का रूट वर्ड से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और व्यूज से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।